बाद क्योंकि ईद उल अज़हा है, ऐसे मौके पर सबसे पहले मैं देश की तमाम जनता को, विभाग की तमाम जनता को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पे भाईचारा हमारा कायम रहे, जो समाज के बीच में एक प्यार फैलाने का, एकता फैलाने का काम इस माध्यम से होना चाहिए, और देश में तमाम उन लोगों को जो एक नफ़रत की भावना लेकर के देश में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, विनती है, ये नफ़रत का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है इसको बंद किया जाए, अन्यथा देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर देश के अंदर प्रगति चाहते हैं हम सब, तो हमें एकता और प्रेम भाव से रहना होगा, तभी जा कर के ये राष्ट्र हमारा मजबूत हो सकेगा, सफल हो सकेगा और प्रगतिशील हो सकेगा। और जब तक हमारी एकता अखंडता बरकरार नहीं रहेगी, तब तक हम और हमारा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा, हम सुविधाएं हम तक कभी नहीं मिल पाएगी, हम तक पहुंच पाएगी, और देश में एक अन्यायपूर्ण वातावरण हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार आपसे, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि देश में एकता और अखंडता इसकी बरकरार रहे, बनी रहे, प्रेम भाव सभी के बीच में हो, सभी समाज छोटे बड़े वर्ग जो भी हैं, अमीर गरीब, सबको एक समान अधिकार मिल सके, सभी को एक समान अवसर मिल सके, इस नाते से लोगों में एकता और इसकी एक प्रेम भाव जो है बना रहे, यही मैं सभी से गुजारिश करूंगा। और साथ ही साथ पुनः एक बार मैं ईद की ढेरों बधाई दूंगा सभी देशवासियों को।